ओम शांति। आज साकार महावाक्य 1/11/2021 मधुर संतान माने तुम मानकर चालीचलन बहुत बहुत मीठा एवं राजकीय होवा उचित। क्रोधर भूत बिल्कुल रहिबा उचित नुहे। प्रश्न 21 जन्मर प्रारब्ध पाइबा पई पिला मानको केउ कथा उपरे निश्चित ध्यान रखिबा को हेबो। उत्तर एही दुनिया रे रही सबो किछि कार्य करी बुद्धिर जोग एकमात्र सच्चा प्रेमिकंक साथीरे रहु। तुम भितरे एपरी कोनोसी खराब अभ्यास न रहु जहा द्वारा बाबांकर इज्जत चली जीव। घरे रही मध्य एते स्नेह सहानुभूति सहित रुह जहा कि अन्य माने भाबिबे जे एहांक भितरे त बहुत भल दैवी गुण रहिछि। ओम शांति। मीठा मीठा रुहानी पिला माने गीत शुणिले एहार अर्थ मध्य निश्चय पिला माने बुझि जाइथिबे। बाबा आसी नुआ नुआ कथा सुनाउछन्ति। नुआ दुनियार नुआ जुग पई एही कथा सब पिला माने 5000 वर्ष पूर्वरु शुणिथिले एबे पुणि थरे शुणुछन्ति। बाकी मझिरे केवल भक्ति मार्गर कथा ही शुणिछन्ति। सत्य युगरे एसबु कथा रहिबो नाही। सेठारे ज्ञानर प्रारब्ध रहिछि। एबे तुमे माने नुआ दुनिया पई सच्चा रोजगार करुछ। ज्ञान को रोजगार रो उत्स बोली कहा जाइथाय। पाठ पढ़ा द्वारा केही बारिस्टर इंजीनियर आदि होइथांती। एहा द्वारा आमदानी भी होइथाय। तुमे एही पाठ पढ़ा द्वारा राजा मानकर राजा हेउछ। एहा केते जबरदस्त रोजगार अटे। एबे तुम मानकर एही निश्चय अछि जदि टिके भी संशय अछि केबे आग को गले निश्चय होइजिव। सेकेंड रे जीवन मुक्तिर गायन रहिछि। बाबांकर हेल एवं वर्षार मालिक होइगल। जेउ बाबा स्वर्गर रचयिता अटंती सी आसीछंती आमको मालिक करिबा पई। केबे तो पिला मानकर निश्चय हेबा दरकार। तुमे माने एकथा भी जानिछो जे आमर दुई जण पिता अछंती। जणे लौकिक पिता द्वितीय हेउछंती पारलौकिक जहाँ को कहुछंती परम पिता परमात्मा बा ईश्वर पिता। लौकिक पिता को केबे परमात्मा बा परम पिता कहिबे नाही। समस्तंकर सुखदाता शांतिदाता से ही जणे ही पारलौकिक पिता अटंती। सत्य युगरे समस्ते सुखी रही थांती। बाकी आत्मा माने शांति धाम रे रही थांती। सत्य युगरे तुम पाखरे सुख शांति धन दौलत निरोगी शरीर सबो किछि थिला। तेणु एही परि सबुठारो प्रिय बापांकु समस्ते डाकुछंती। साधु संत लोक माने भी साधना करुछंती किंतु काहार साधना करुछंती एकथा जानि नाहंती। से माने ब्रह्मर साधना करंती कुहंती आमे ब्रह्मरे लीन होइजिबु किंतु ब्रह्मरे केही लीन होई पारिबे नाही। ब्रह्म को याद करिबा द्वारा पाप कटे नाही। बाबा कहउछंती मते याद कर मु सर्वशक्तिमान अटे ना ब्रह्म। बहुत रहिबार स्थान अटे ब्रह्म त रहिबार स्थान अटे। ब्रह्म महतत्वरे सब आत्मा माने निवास करिथांती। तेणु ब्रह्म को से माने भगवान बोली भाभी नहीं चंदी। जेपरी भारतवासी हिंदुस्तान रे रहिबा कारण रो निजर धर्म हिंदू बोली भाभी नहीं चंदी। से ही परी ब्रह्म तत्व रहिबार स्थान को परमात्मा बोली भाभी नहीं चंदी। ताहा हेउछि ब्रह्मांड। सेठारे आत्मा माने ज्योतिर्विंडो अंडा आकार रे रही थांती। सेतिपई ताको ब्रह्मांड कहउछंती। एहा हेउछि मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मांड अलगा मनुष्य सृष्टि अलगा अटे। आत्मा कौन एक कहीं भी जाणी नहांती। कहुछंती मध्य प्रकृति मध्यरे चमकुछि अजब तारका। पुणी कहुछंती आत्मा अंगुली सदृश अटे। किंतु बाबा कहुछंती जे आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु अटे जहाँ भी एही आखि द्वारा देखिपारिबो नाही। आत्मा को देखिबा पई धरिबा पई बहुत चेष्टा करुछंती किंतु आत्मा विषय रे किछि जानि पारु नहांती।
तुमे माने जानिछ जे एबे तुमको भारत को स्वर्ग करिबा पई बाबांकर सहायककारी मध्य हेपाको पड़िबो। बाबा भारत को ही आसुचंती, शिव जयंती भारत रे ही पालन करुचंती। जेपरी ख्रीष्ट आसीथिले तेनु ख्रिस्टियान माने ख्रिस्टमास बा बड़दिन पालन करुचंती। ख्रीष्ट केबे आसीथिले से कथा मध्य सेमाने जानिछंती, किंतु भारतवासी एक कथा जानिनाहंती से बापा केबे आसीथिले, कृष्ण केबे आसीथिले, कहा विषय रे मध्य सेमाने जानिनाहंती। समस्त महिमा कृष्णंकर गाउछंती, तांकु दोळी रे झुलाउछंती, स्नेह करिथांती, किंतु एक कथा जानिनाहंती से तांकर जन्म केबे होइथिला। कहि देउछंती द्वापर रे कृष्ण गीता सुनाइथिले, किंतु कृष्ण तो द्वापर रे आसुनाहंती। एकमात्र बाबांकर ही लीला रहिछि, तेबे पुनी तांक पई कहउछंती जे तुमर गति मत कृष्ण हेउछंती सत्यजुगर राजकुमार। प्रथम रु ही माता को सेमाने साक्षात्कार होई जाइथाए कि जोग बल द्वारा पिला जन्म हेबार अछि, सेठारे शरीर मध्य एही परि त्याग करि थांती, गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नै थांती। सेथि पई सर्पर उदाहरण दिया जाय छि, वास्तवरे सन्यासी माने एही उदाहरण देई परिबे नाही। तुमे माने विकारी मनुष्य मानंको बसाई ज्ञानर फुंफु करि तमो प्रधान रु सतो प्रधान करि देउछ, एहा तुमर धंदा अटे। फुंफु करि तुमे मनुष्य को देवता करि देउछ। कईछ आदि उदाहरण मध्य वर्तमान समय अटे, कर्म करी पुणी जेमिति समय मिलुची बाबांको याद करिबाकू पड़िब। तुमे माने जानिछ जे एहा आमर अंतिम जन्म अटे, एहा आमर पुरुणा शरीर अटे, एबे नाटक पूरा हेबार अछि, एहार कर्म भोग चुक्त करिबाकू हेब। जेबे तुमे सतप्रधान होइजिब तेबे पुणी तुमर कर्मातीत्य अवस्था होइजिब, पुणी आमे एही शरीर रे आउ रहिबा नाही। कर्मातीत अवस्था हेला पुणी आमे शरीर छाड़ी देबा, एहा परे पुणी लढ़ी आरंभ होइजिब। मशा सदृश समस्तंकर शरीर विनाश होई आत्मा माने घर को चली जिबे, पवित्र हेबा बिना त केही घर को जाई परिबे नाही। एहा हेउची रावण द्वारा स्थापन करै जाइथिबा दुखधाम, एवं ताहा हेला रामंक द्वारा स्थापन करा जाइथिबा शिवालय। वास्तवरे परमात्मांक नाम हेउछि शिव ना कि राम। सत्ययुग शिवालय रे समस्त देवता माने रहिथांती, पुणी भक्ति मार्ग रे शिवंकर प्रतिमा पाई मंदिर शिवालय आदि तयारी करुछंती। वर्तमान एहा शिव बापांकर सिंहासन अटे, आत्मा ए सिंहासन उपरे विराजमान अछि। बाबा मध्य एही पाखरे आसी विराजमान हेउछंती एवं पाठ पढ़ाउछंती। बाबा सबुबेले त रहुनांती, याद कले ही सी आसीबे। बाबा कहुछंती मु तुमर बेहदर पिता अटे, सेठारु ही तुमको वर्षा मिलिबो। ब्रह्म कण बेहदर बाबा अटंती कि एणु तुमे मते याद कर। मीठा पिला माने जानिछंती जे बाबा ज्ञानर सागर अटंती, स्नेहर सागर अटंती, तेणु तुम मानू स्नेहर सगर होगा पड़ो। स्त्री पुरुष परस्पर को सच्चा प्रेम करमने काम विकार को ही प्रेम बोली भावुंटी, किंतु बाबा कही कम महाशत्रु अटे, यह आदि मध्य अंत दुख दे थाए। देवता मैंने निर्विकारी थे से तो कहते कृष्ण परी संतान मिलु, कृष्णंक परि स्वामी मिलु, कृष्णपुरी को याद करुछंती ना। एबे बाबा कृष्णपुरी स्थापना करुछंती, तुमे निजे श्रीकृष्णंक परि अथवा मोहनंक परि होई पारिबो, आहुरी मध्य राजकुमार कुमारी हेबो। तेबे एमाने सबु एहिठारे ही एभली श्रेष्ठ हेउछंती, सेमानंकर मध्य तालिका रहिथाए। माळारे आठ दाना भी रहिछि, त सहे आठ दाना भी रहिछि। लोक माने नौ रत्नर आंगुठी पिंधि थांती, एबे ही आठ जन किए, माझीरे किए अछंती,
एकथा भी तुम्हें माने जानी छो जे मीठा मीठा बाबा को द्वारा आमे रत्न सदृश हेउछु। बाबा कहुछंती पिला माने परस्पर सहित स्नेह रे रहिबा को हेबो, नचित बाबांकर नाम बदनाम करिदेव, पुणी सद्गुरु को निंदा करिबा बाला को ठाब मिलिबो नाही। समस्त को एही मंत्र भी बताइबा को हेबो जे एकमात्र बाबा को याद कर, तेबे तुम ठारे थिबा खात बाहरी जीव, घरे रही मध्य सेतिकी स्नेह रे चालिबा दरकार, जहाँकि अन्य माने बुझिबे जे एहांक पाखरे क्रोध नाही, बहुत स्नेह अछि। मद सिगरेट आदि पीबा बहुत खराब अभ्यास अटे, एहिपरि सबु खराब अभ्यास छाड़ी देबा दरकार। तुमको दैवी गुण एहिठारे ही धारण करिबा को हेबो, राजधानी स्थापन करिबा पई मेहनत करिबा को पड़ुछि। अन्य धर्मर आत्मा राजधानी स्थापन करूनाहांती, से माने उपरु एकदम पछरे आसुछंती। तुमे माने एकोइसी जन्म पई प्रारब्ध गढ़ुछ, एथिरे मायार बहुत तूफान भी आसीब, तथापि भी पुरुषार्थ करी दैवी गुण धारण करिबा को हेबो। जदि क्रोधरे कथा हेबो लोके कहिबे एहांक पाखरे भूत अछि, एहार अर्थ बेहद बाबांकर तुमे नाम बदनाम कल, पुणी एहिपरि उच्च पद किपरि पाइब, तुमको बहुत मीठा अनासक्त हेबाकु पड़िब। एठारे रही सबुकिछि करी जोग एकमात्र प्रेमिकांक सहित रहिबा दरकार। बाबा कहिछंती जे मोते याद कर तेबे पाप भस्म होइछिब, एहाकु जोग अग्नि कहा जाउछि। एठारे हट जोगर आवश्यकता नाही, निजर शरीर सुस्थ रखिबाकु हेबो, एहा बहुत मूल्यवान शरीर अटे, शुद्ध भोजन मध्य खाइबा दरकार। देवता मानंकु किपरि भोग लगाउछंती, श्रीनाथ द्वारकु जाई देख, बंगळारे कालिंक पाखरे बुदाकु बळि चढ़ाई प्रसाद अर्पण करंती। सेमाने निजर पितृ पुरुष मानंकु मध्य माछ खुआई थांती, नचित भावंचिते पितृपुरुष माने नाराज होइजिबे, केही जणे एहिपरि नियम करि देछि, तेनु ताहा ही होइ चालिछि। देवी देवता मानंकर राज्य रे कोनोसी पाप होइ न थाए, ताहा हेउछि रामराज्य। एठारे कर्म विकर्म होइथाए, सेठारे कर्म अकर्म होइथाए। एबे हरिद्वार रे जाई बसुछन्ति, कृष्ण को हरि बोली कहुछन्ति। कृष्ण तो सत्ययुगरे थिले, वास्तव रे हरिनाम शिवंकर अटे, से दुख हरिला वाला अटंती, किंतु गीतारे कृष्ण का नाम लिखी हरि कृष्ण को भापी नहीं छंती, वास्तव रे दुख हरिला वाला हेउछंती शिव बाबा। सत्ययुग को हरिंकर द्वारा कहा जाय थाए, भक्ति मार्ग रे जहाँ मन को आसुछि कहि देउछंती। बाबा कहुछंती मु संगम युगरे आसुछि पुरुणा दुनिया को नुआ करिबा पई, रावण हेउछि आमर पुरुणा शत्रु, प्रत्येक वर्ष रावण को जलाउछंती, केते पैसा खर्च करुछंती, सबु समय नष्ट पैसा नष्ट हेउछि, बंगाल रे केते देवींक मूर्ति तयारी करुछंती, सेमानंकु खुआई पियाई पूजा करी पुणी जाय बुढ़ाई दे आसुछंती। एहा उपरे एक गीत मध्य रहिछि, पिलामानंकु बहुत मीठा हेबाकु पड़िब, केबे क्रोधरे कथा हेबा उचित नुहे, बाबांकु उपरे केते केबे रुष नाही, रुषि करे जदि पाठ पढ़ा छाड़ी देल तेबे निज गोड़े कुराड़ी मारिल, एहाकु तुमे एठाकु तुमे आसिछ विश्वर मालिक हेबा पाई। महाराज श्री नारायण महाराणी श्री लक्ष्मी को कहा जाय थाए, बाकी श्री श्री हेउची शिव बाबांकर उपाधि, देवता मानंकु श्री बोली कहा जाय थाए, श्री अर्थात श्रेष्ठ। एबे तुमे चिंता कर आमे कौन थिलु, माया आमर बुद्धि को परिवर्तन करी आमको कौन करी देछि, भारत केते साहूकार थिला, पुणी कांगाला किपरि हेला, कौन हेला किछि भी बुझुनाहांती। एबे तुमे माने जानुछ आमे माने देवता थिलु, पुणी क्षत्रिय हेउछु, सेमाने आत्मा ही परमात्मा बोली कहि देउछंती, नचेत हमसोरा अर्थ
केते सहज अटे। सेमाने कहुछंती थरे मात्र मनुष्य जन्म नहीं थाए, किंतु बाबा बुझाउछंती जे मनुष्य मानकर 84 जन्म होई थाए। सेही 84 जन्म मध्यरु तुमर एही संसारर संगमरे गोटिए जन्म दुर्लभ अटे, जेबे कि तुमे बेहदर बाबांकर ठारु स्वर्गर वर्षा पाउछ। तुमे बहुत राजकीय गुणर अधिकारी बा सागर पितांकर संतान, तेणु तुम मानक भितरे केते राजकीयता रहिबा दरकार। राजकीय गुणधारी मनुष्य केबे जोरे कथा होई न थांती, दुनिया रे घरे घरे केते गंडगोल होई थाए, स्वर्ग रे एपरी कौनसी कथा नाही। एही बाबा मध्य बल्लभाचारी कुळर थिले, तथापि भी केउठी सेही सत्ययुगर देवता माने एवं केउठी आजिकालीर वैष्णव लोक। एहीपरि नुहे जे वैष्णव अटंती तेबे विकारग्रस्त होई न थांती। रावण राज्य रे समस्ते विकार द्वारा जन्म होई थांती, सत्ययुगरे संपूर्ण निर्विकारी हेबे। एबे तुमे संपूर्ण निर्विकारी हेउछ एवं जोग बल द्वारा विश्वर मालिक हेउछ। तुम मानकर चलणी बहुत मीठा राजकीय हेबा दरकार, कौनसी जुक्तितर्क अथवा शास्त्रवाद करिबार नाही। सेमाने जेतेबेले शास्त्रवाद करिथांती तेबे परस्पर भितरे माळगोळ मध्य होई जांती, बिचारा सेमानकर कौनसी दोष मध्य नाही। सेमाने एही ज्ञान को जाणी ही नाहांती। एहा हेउछि रूहानी ज्ञान, जहाँकि रूहानी बाबांक ठारु मिळुछि। से ज्ञानर सागर अटंती, तांकर शरीरर नाम नाही, से अव्यक्त मूरत अटंती। कहुछंती मोर नाम शिव अटे, मु स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर नेउ नाही, मते ही ज्ञानर सागर आनंदर सागर कहुछंती। शास्त्ररे कण कण सबु लेखा जाइछि, हनुमान पवन पुत्र थिले, एबे पवन द्वारा किपरि पिला जन्म हेबो। पुणि परमात्मा को पाई कहुछंती कच्छ मच्छ अवतार केते गाली देउछंती। बाबा आसी उल्लुगुणा देउछंती जे तुमे माने आसुरी मतरे मोते एते गाली देउछ, 24 अवतार रे पेट पुरिला नाही। पुणि कोणे कोणे माटी गोड़ी रे कही देउछंती। एही सबु शास्त्र द्वापर रु होईछि। प्रथमे प्रथमे केवल शिवंकर पूजा हेउथिला, गीता मध्य परे रचना होईछि। एबे बापा बुझाउछंती एसबु अनादि खेल अटे, एबे मु आसीछि तुमको विश्वर मालिक करिबा पई, तेणु बाबांको पूरा अनुकरण करिबा उचित। तुमर लक्षण मध्य बहुत भल हेबा दरकार, एहा मध्य आश्चर्य अटे ना। कलिजुग अंतरे कण अछि, पुणि सत्ययुगरे कण देखिब। कलिजुगरे भारत दरिद्र होई जाइछि, सत्ययुगरे भारत साहूकार हेबो। सेही समय रे आउ कौनसी राष्ट्र न थाए। एबे गीतार अध्याय पुनरावृत्ति हेउछि। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश। एक नंबर, आमे माने राजकीय गुणर सागर पितांकर संतान, तेणु निजर चालीचलणी को बहुत राजकीय करिबाकु हेबो। उच्च स्वर रे कथाबार्ता करिबार नाही, बहुत बहुत मधुर स्वभावयुक्त हेबार अछि। दुई नंबर, केबे भी बाबांक उपरे बा परस्पर उपरे रुसिबार नाही, काहा उपरे रुसि केबे भी पाठपढ़ाकु छाड़िबार नाही। जहाँ भी खराब अभ्यास सबु रहिछि सेगुड़ी को छाड़ी देबार अछि। बरदान सर्वशक्ति मानंकर संगर स्मृति द्वारा समस्या गुड़ी को दूर करुथिबा परमात्मा स्नेही हुओ। जेऊ पिला माने परमात्मा स्नेही अटंती, से माने निजर स्नेही पितांकु सर्वदा साथीरे रखिथांती, सेथिपई कौनसी प्रकारर समस्या सेमानंक सम्मुख को आसी नथाए। जेऊ मानंक सांगरे स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा अछंती, सेमानंक सम्मुखरे कौनसी प्रकारर समस्या तिष्ठि पारिबो नाही। जदि बा कौनसी समस्या उपजिला एवं तुमे ताकु सेहिठारे ही समाप्त करिदेल, तेबे ताहा आउ वृद्धि होई पारिबो नाही।
तेणु एबे समस्या गुड़िकर जन्म नियंत्रण कर। सर्वदा एही कथा मने रख जे संपूर्णता को निकट को आणिबा को हेबो एवं समस्या गुड़ी को दूर को तड़ी देबा को हेबो। स्लोगन काहारो प्रिय हेबा पई पुरुषार्थ करना ही किंतु समस्तंक ठारो अलग अर्थात स्वतंत्र हेबार पुरुषार्थ कर तेबे आपे आपे समस्तंकर प्रिय होई जेबो। ओम शांति।